हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट क्रिस्पी चटपटा आलू टिक्की विद पनीर स्टफ्ड रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ले लिया हुआ है 3 उबले हुए आलू। एक बाउल में उबले हुए आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं। डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये आलू का डो थोड़ा गीला लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। अब हम तैयार कर लेते हैं स्टफिंग। एक बाउल में ले लेते हैं 1.5 कप ग्रेट किया हुआ पनीर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथों में अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लीजिए ताकि मिक्सर हाथों में चिपके नहीं। एक बड़ी लोई आलू मिक्सर का ले लेंगे और जिस तरीके से हम आलू पराठा बनाते हैं उसी तरीके से हमें इस आलू मिक्सर में पनीर फिल करना है। और ये पनीर स्टफिंग का प्रोसेस बिल्कुल हल्के हाथों से करें क्योंकि आलू का मिक्सर काफ़ी सॉफ्ट होता है। और यह ध्यान दें कि पनीर स्टफिंग आलू के बाहर ना निकले। परफेक्ट राउंड शेप दे दीजिए। अब इसे ब्रेड क्रम्ब में डिप कर लीजिए। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप यहाँ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप सारे टिक्कियों को तैयार कर लीजिए। ये पनीर स्टफ्ड आलू टिक्की को आप एज अ बर्गर पैटीज भी यूज़ कर सकते हैं। एक नॉनस्टिक पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया हुआ था। अब इसमें डाल देते हैं ऑयल। हमें यहाँ टिक्की को बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना है इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा कम ही यूज़ किया है। अब डाल देते हैं एक एक करके इसमें टिक्की। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। इस टिक्की को हमें बिल्कुल हल्के हाथ से पलटना है ताकि हमारी टिक्की टूटे ना। इस टिक्की को आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बर्गर में यूज़ कर सकते हैं, टिक्की चाट बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। टिक्की का परफेक्ट कलर आ चुका है। अब आइए इसे प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपको हर तरफ से तारीफ ज़रूर मिलेगी। और हमारी टिक्की रेडी हो चुकी है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। इसे शाम के वक्त चाय के साथ गर्मा गर्म ज़रूर ट्राई कीजिए या फिर कोई गेस्ट आ जाए तो उसे ज़रूर सर्व कीजिए। टिक्की का टेस्ट इन्हांस करने के लिए इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।